राजधानी में धोखाधड़ी के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। इसी क्रम में गांधीनगर थाना पुलिस ने ग्वालियर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने के नाम पर दो युवकों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है। पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना पुलिस के मुताबिक पंकज कुमार सिंगल ग्वालियर में रहते हैं। पंकज कुमार ने ग्वालियर में उसके साथ हुई धोखाधड़ी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया था कि उनके पुत्र और भतीजे ने नीट की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। वे उनका किसी बेहतर मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराना चाहते थे। इस सिलसिले उनका परिचय रितेश और राहुल नाम के युवकों से हुआ था। दोनों ने पंकज को बताया था कि वे लोग गांधीनगर स्थित महावीर अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय में काम करते हैं। अपने संपर्कों के माध्यम से वह कई छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करा चुके हैं। उनकी बातों में भरोसा करने के बाद पंकज कुमार ने अपने पुत्र और भतीजे का एडमिशन कराने के लिए उनसे चर्चा की। फरवरी 2021 में पंकज कुमार ने कॉलेज के काउंसलिंग रूम के पास उन्हें रुपए दे दिए। इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज की प्रवेश सूची में पंकज के बेटे और भतीजे का नाम नहीं आया, तो उन्होंने रितेश और राहुल से संपर्क किया तो उनका मोबाइल बंद आ रहा है। पंकज कुमार ने घटना की शिकायत ग्वालियर पुलिस से की। ग्वालियर पुलिस ने शून्य पर धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कर केस डायरी गांधीनगर थाने भेज दी। केस डायरी मिलने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने असल कायमी कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। सर, गांधीनगर में एक साइबर धोखाधड़ी का मामला आया, क्या पूरा मामला है? थाना गांधीनगर में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जब फरियादी के लड़के व भतीजे के नाम पर प्रवेश लेने के नाम पर 12 लाख रुपए लेने की बात आई है और ग्वालियर में मुकदमा कायम हुआ था जीरो पर। वो डायरी आई है थाना गांधीनगर में, उस पर कायमी कर ली गई है। प्रकरण की विवेचना जारी है, जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह से लेन देन हुआ था निवेश के नाम पर? अभी वो जो आई है उसके बाद पूरी विवेचना उसमें है, जारी है। विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे।